गुरदासपुर के पिंड हेमराजपुर के भी अज गोलियां चलिया ने। एक होर हिंसक वारदात के नाल तुहानू जाणू करवा रहे हैं। जमीनी विवाद को लैके इत्थे परिवार के उपर फायरिंग हुई है। परिवार मुताबक कुछ हथियारबंद नौजवानों ने गोलियां चलाईयां ने। परिवार की हड्डबीती भी तुहानू सुनावांगे, पर इत्थे दस दईए कि गोलियां चलियां ने अमृतसर के दो कतल ते हुण गुरदासपुर के गोलियां चलियां ताबड़ तोड़। इस खबर के नाल तुहानू करवा रहे हैं जाणू। गोलीबारी च किसी जानी नुकसान तो इत्थे बचा रहा, पर आखिरकार गोलियां चलन की नौबत ही क्यों आई? नाल ही गोलियां चलाउन वाले दे आखिरकार हौसले क्यों इन्ने बुलंद हो गए हैं कि गल भावें वड्डी होवे जां छोटी गोलियां चलदियां जा रही ने। जी हाँ, आखिरकार इन्ना नजायज़ असला आ कितों रहा कि वाकई चीज़ सरहदी सूबे दे विच इस ढंग दे नाल गोलियां चलना जां फिर कतल दियां वारदातां दा सामने आना वाकई चीज़ सूबा सरकार दे उपर जेकर लोग सवाल चुक रहे हैं, पुलिस प्रशासन के उपर सवाल चुक रहे हैं, तो लोगों के अंदर दिलों के डर भी है, लोगों के दिलों के सहम भी है कि सूबे दे विच आखिरकार हो की रहा। गोलीबारी के इत्थे गुरदासपुर जानी नुकसान तो नहीं होया, पर पिंड हेमराजपुर गोलियां चलिया ने परिवार के उपर। तस्वीरों के तुसी वेख पा रहे हो परिवारक मैंबर गोलियां के खाली खोल विखा रहे हैं। पैली का मेरा मसला, मैं पैली खरीदी इत्थे जी, तो वो पैली का मसला ही, मैनू इन्हों का मेरा कोई मसला नहीं जिन्होंने मेरे घर आके गोली चलाई है। क्यों चलाई फिर? ये आम आदमी पार्टी के वर्कर है जी, तो ये मेरे को ना हर वेले पैसे की मांग करते रहते हैं, पैसे की मांग करते रहेंगे कि अं वो जो पैली तेरी का मसला है अं तेरा नबेड़ दें, सू 2.5 लाख रुपया दे दे। मैं कहना कि प्रशासन को करना कि आम आदमी पार्टी बनाई है लोगों का भला करने वास्ते, तो मैं कहना कि सू इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उन्हें की जाए। सवेरे जिहड़े ने कंप्लेनेंट ने उन्होंने सानू दस्सिया भी उन्होंने 4 खोल लभे, ठीक है जी, वो असी तफ्तीश कर रहे हैं, ठीक है जी। जिहड़े कंप्लेनेंट के मुताबिक जिहड़े जिन्होंने की है फायरिंग उन्होंने पूछगिछ कर रहे हैं, तो जो लोड़ पई इस अगे FIR जरूर की जाएगी जी।